बहुत ही मज़ेदार हलवाई जैसी डिलीशियस क्रिस्पी और परफेक्ट मावे खोए की गुजिया। इसे देखकर और खाकर आप खुद कहेंगे ज़बरदस्त स्वाद। बहुत ही क्विक सिंपल इजी रेसिपी है। इसको एकदम अलग तरह से बनाया है, एकदम डिफरेंट रेसिपी है। देखने में बहुत मज़ेदार लगती है और खाने में तो इसका जायका होता ही है शानदार। और इसे आप हमारी तरह से बनाकर खा लेंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। अगर आप भी बनाना चाहते हैं परफेक्ट हलवाई जैसी गुजिया तो हमारे मज़ेदार सी रेसिपी को देखते जाएं। इसे हमने कैसे बनाया है आइए देखते हैं वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल सफीना किचन। आज हम शेयर करेंगे बहुत डिलीशियस टेस्टी रेसिपी, खोए की गुजिया बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान, तो ट्राई करें आप भी बनाना इसे हमारे साथ। खोए की गुजिया बनाने के लिए 250 ग्राम मैदा लिया है एक बड़े बाउल में। मैदे को बाउल में ऐड करते हैं। 30 ml घी मैदे में ऐड करते हैं। घी को मैदे में हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी को मैदे में मसल करके मोयन बना लेते हैं। मोयन अच्छे से बनकर तैयार है, मुट्ठी बंध रही है इस तरह से। आधा गिलास गुनगुना पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डालकर एक सॉफ्ट डो बना लेते हैं पूड़ी के आटे जैसे। गुजिया का आटा गूंथकर तैयार कर लिया है, इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं सेट होने के लिए। खोए की गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए 250 ग्राम खोया लिया है। खोए की रेसिपी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। 120 ग्राम शुगर पाउडर लिया है, 2 चम्मच किशमिश, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच नारियल पाउडर। सभी को एक बड़े बाउल में ऐड कर लेते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गुजिया की स्टफिंग बनाकर तैयार कर लिया है, चलते हैं अगले प्रोसेस पर। खोल कर चेक करते हैं, 15 मिनट हो गए हैं, आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसे हाथ से थोड़ा सा मसल लेते हैं। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। आटे से छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। आटे से बॉल तैयार कर लिए हैं, हाथों की सहायता से पेड़े तैयार कर लेते हैं। पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है, पेड़ा लेकर रोटी से मैं बेल लेते हैं। एक बराबर बेल कर तैयार कर लिया है पूड़ी सेव में। इसी तरह से सारे पेड़े को बेल कर तैयार कर लेंगे। पूड़ी सेव में बनाकर तैयार कर लिया है, स्टफिंग कर लेते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमने एक साँचा लिया है। इसमें लगाते हैं, स्टफिंग कर लेते हैं। एक चम्मच स्टफिंग लिया, इसे हाथ से बराबर कर लेते हैं। पानी लिया है, किनारों पर पानी लगा लेते हैं
जिससे अच्छी तरह से चिपक जाएगा, तलने में खुलेगा नहीं। ऐसे दबा देते हैं बचे हुए आटे को, निकाल देते हैं इस तरह से। हल्का प्रेस कर देते हैं हाथ से, इसे निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत अच्छे से गुजिया बनकर तैयार हो गई। इंडक्शन ऑन कर लिया है, कढ़ाई में तेल डाल के रखा गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो गया है, गुजिया की स्टफिंग करके तैयार कर लिया है। गुजिया को तेल में ऐड करते हैं। आंच को धीमी रखा है, गुजिया को धीमी आंच पर फ्राई करेंगे जिससे अच्छे से खस्ता बनेगी। गुजिया को हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। गुजिया को हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं। गुजिया को पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। गुजिया को धीमी आंच पे ही फ्राई करें जिससे बहुत ही खस्ता बनती है। खोए की गुजिया खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, बच्चे और बड़े को बहुत पसंद आती है। गुजिया बनकर तैयार हो गई है, बहुत खस्ता बनी है, गोल्डन कलर आ गया है। इसे प्लेट में हम निकाल लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस खस्ता खोया मावा गुजिया बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। खोए की गुजिया जितना दिखने में अच्छी है खाने में उतनी स्वादिष्ट है। इसे एक बार खा लिया तो बार बार बनाकर खाएंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। दीजिए अपनी सकीना खान को इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।